एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट के बारे में। जैसे काउंटेबल का मीनिंग होता है जैसे काउंट करना, कैसे काउंट करेंगे। तो कुछ इसी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, स्टोन गॉड एग्जांपल। स्टोन गॉड एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि कैसे लोग काउंट करते थे। आज तो हम लोग काउंट ही जानते हैं इसलिए काउंट कर लेते हैं, लेकिन काउंट भी होता है। तो यहाँ पर दो तरह से काउंट करेंगे। जैसे एक काउंट होता है कि हम लोग फिनाइट वैल्यू मालूम है, कितना वैल्यू होगा, 100 होगा चाहे 200 होगा चाहे 500 नंबर चाहे कोई भी चीज एलिमेंट होगा, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन इनफिनाइट नंबर आप काउंट कैसे करेंगे, इनफिनाइट तक के काउंट कैसे करेंगे, इनफिनाइट तक के नंबर को एनालाइसिस कैसे करेंगे, आज वो सब सीखेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट में। सबसे पहले चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 17 में। हाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल के अंतर्गत एक स्टोन गॉड एग्जांपल देकर क्लियर करते हैं कि काउंट कैसे करेंगे। इसका मीनिंग क्या आता है, स्टोन गॉड्स का मतलब है इसके अंतर्गत जो बना हुआ है गोड, एक इसके अंतर्गत जो है अष्टम है। तो हम उस समय की कहानी बता रहे हैं कि जिस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, जंगल में रहते थे, उस समय लोग कैसे गिनती करते थे और उस समय भी कैसे फंक्शन को यूज होता था, कैसे वन वन ऑन टू होता था, आज क्लियर करते हैं आपको, है ना। बिना पढ़े हुए लोग कैसे फंक्शन का यूज करते थे। जैसे मान लीजिए इससे एक गोट बाहर निकला जंगल में ले गया, तो उसके बदले में एक कॉस्टोन यहाँ पर रख दिया गया, डाल दिया गया। उसी तरह से दूसरा गोट इससे निकाला गया, दूसरा स्टोन डाला गया, तीसरा निकाला गया तो तीसरा स्टोन डाला गया। इस तरह से जितने था इसमें गोट मैंने उतना ही यहाँ पर अस्टोन हो गया आपका। यानी कि हम लोग गिनती कर सकते हैं जितना अस्टोन रहेगा उतना क्या हो गया, गोट हो गया। अब जैसी शाम के समय फिर अंदर किया गोट को, है ना, तो एक तरह से जैसी अस्टोन यहाँ डाला, एक गोट बाहर एक अस्टोन यहाँ पर, एक गोट बाहर एक अस्टोन यहाँ पर, यानी कि हमको एक गिनती हो रहा है जो शो कर रहा है वन वन का, है ना, एक एक पकड़ के हम काउंट कर रहे हैं जितना एक गोट जितना एक स्टोन है। जैसी शाम को जो गोट है फिर अंदर आता है तो क्या करता है कि एक गोट अंदर करता है एक स्टोन बाहर निकालता है, फिर एक गोट अंदर करता है तो फिर एक स्टोन बाहर निकालता है, फिर एक गोट बाहर करते स्टोन बाहर करता है एक गोट अंदर करता है, इस तरह से सारा गोट को अंदर करता। अगर इसमें अगर स्टोन बच गया तो समझ जाता था कि कोई ना कोई मेरा गोट बाहर में खो चुका है, तो फिर खोजने के लिए वो निकलता था। यानी कि इस तरह से स्टोन गोट एग्जाम्पल जो है वह क्लियर किया कि बिना पढ़े हुए लोग पहले जमाने में भी गोट को काउंट करते थे किसके माध्यम से, स्टोन के माध्यम से। तो हम ये स्टोन गोट जो है हम लोग कंपेयर करेंगे जो सेट लेकर के आप काउंट करने की कोशिश करेंगे, है ना, और उसी में काउंटेबल में यूज करेंगे गोट स्टोन एग्जांपल को कि कितने गोट कितने स्टोन। अगर दोनों में एक एक करके मैचिंग हो गया समझने को, उतना जितना गोट उतना स्टोन हो गया आपका। यह था स्टोन गोट एग्जांपल। तो जैसे हम लोग बाहर किए थे तो वन वन, जैसे अंदर हुआ जितना बाहर हुआ तो क्या हो गया ऑन टू, और जहां एक भी स्टोन बच गया इसमें समझ जाता था कि कोई ना कोई गोट या तो खो चुका है या तो उसको जानवर खा चुका है, यानी वह फिर मैपिंग नहीं हो पाता था, फिर खोजने के निकलता था वो क्लास करने के लिए, या तो खो गया होगा बीच में। इस तरह से हम लोग पहले के जमाने में यूज करते थे और यह बहुत ही हम लोग इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मानते थे, क्योंकि हम लोग जहां भी जहां देखेंगे कि कोई भी ऐसा दो सेट जिसे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि काउंट कैसे होगा, तब हम लोग
सपोज कर लेंगे ये गोट है एक स्टोन है, तो स्टोन गोट एग्जांपल से हम लोग दिखा सकते हैं कि दोनों सेट में कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा इक्विवेलेंट सेट नहीं है। यानी कि हम लोग सेट थ्योरी पढ़ने से पहले काउंट कर पढ़ने से पहले हम लोग को इस एग्जांपल के जरिए यह समझ में आया कि कुछ भी स्टोन गोट के माध्यम से हम लोग काउंट कर सकते हैं बिना पढ़े हुए। पहले के जमाने में लोग करते थे जो जंगल में रहते थे। आज इसी पर बोलता था कि फंक्शन है, तो फंक्शन क्या था? एक मैपिंग है किससे, जैसे मान लिया कि दो सेट लिया ए एक सेट लिया बी, ए से बी क्या हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम है। ये क्या है, ऐसा ना कि फंक्शन है तो ये तो शुरू हुआ या ये प्लेट दिए फाइव से शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं, एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है ए से बी तक अगर वन वन और ऑन टू मतलब जितना निकाला गया उसे उतना उसमें डाला गया, ये क्या था गॉट स्टोन के माध्यम से, तो हम लोग वन वन ऑन टू दोनों हो तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। यानी कि हम लोग इसी के माध्यम से दो सेट को यूज करते हैं आज, इक्विवेलेंट सेट और फिनाइट सेट। इक्विवेलेंट सेट जो हो गया आपका कहता है कि इक्विवेलेंट सेट यह कहता है कि टू सेट ए एंड बी, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कब, इफ दे हैव द सेम नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट। चाहे बोल सकते हैं कि ए और बी में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वन वन ऑन टू फॉलो करता हो, यानी कि जितना वन वन होगा उतना ऑन टू, यानी इसमें ए हुआ उतना एलिमेंट बी में भी होगा, सेम एलिमेंट हो, एलिमेंट कोई भी हो लेकिन एलिमेंट क्या नंबर संख्या क्या हो सेम हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए इसका नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तब समझ लेंगे कि क्या है इक्विवेलेंट सेट है। तो इस तरह से हो गया आपका स्टोन गॉड, जितना स्टोन था उतना गॉड था, है ना। टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी, यानी बोल सकते हैं ए लेते हैं और बी लेते हैं, मान लें कि यहाँ ए वन, ए वन लिए उससे कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ यहाँ बी वन आएगा, यहाँ ए टू लिए यह कितना हुआ बी टू होगा, इस तरह से डॉट 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 यहाँ भी होगा, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, यानी जितना इसमें है उतना इसमें भी एन है बीच में, यानी क्या होना चाहिए बी एन होना चाहिए। इस तरह से एक फंक्शन तैयार हो गया, क्या तैयार हुआ फंक्शन मैपिंग किया ए वन एक करके ए वन से बी वन, ए टू से ए वन ए टू ए एन डॉट 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 किसका एलिमेंट है ए का, बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन किसका है बी का है, यानी कि ए से लेकर बी तक हम क्या कर रहे हैं फंक्शन मैप कर रहे हैं। ए वन के लिए बी वन है तो बी वन के लिए क्या है ए वन है, ए टू के लिए बी टू है तो वन वन है, वन वन क्या हो रहा है ऑन टू हो रहा है, अगर दोनों हो तो हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं इसे कैसे ए इक्विवेलेंट बी या बी इक्विवेलेंट ए बोल सकते हैं। इसको हम लोग दूसरा भाषा में एक जनरलाइज डिफिनेशन देते हैं, जैसे कहता है कि जैसे अभी हम दो वो सेट लेकर दिखाए आपको हम, तो उसके माध्यम से देखते हैं कि दस टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी, सेट टू बी इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट होगा कब, इफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए
वन वन और ऑन टू, देर एग्जिस्ट ए वन वन एंड ऑन टू, क्या फंक्शन या मैपिंग? फंक्शन ही बोल सकते हैं, यहाँ पर मैपिंग बोल सकते हैं। मैपिंग कितना, ए सब्जेक्ट कितना, ए टेस्ट टू बी, ए से बी तक में अगर वन वन ऑन टू एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट के नाम से भी जानते हैं। जेनरलाइज हो गया आपका सबके साथ। इट इज एल्सो कॉल्ड, इट इज एल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, सिमिलर सेट। क्या बोलेंगे, सिमिलर सेट। बहुत अच्छा, लोग सिमिलर सेट बोलता है इसको, बहुत लोग बोलता है इक्विपोटेंट सेट, बहुत लोग इसको बोल सकता है क्या चीज, न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट सेट। डिफरेंट डिफरेंट नाम लिखाने का कारण क्या हो गया कि कहीं भी कुछ दिया हुआ रहे तो आप समझ में आ जाएगा कि सबका मीनिंग क्या है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट हम लोग सिमिलर सेट बोल सकते हैं, इक्विपोटेंट सेट बोलते हैं, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। इसको ए और बी वन वन ऑन टू है, इसको कार्डिनली बोल सकते हैं। ऐसे इसका एक नाम और भी है, जैसे मान लेते हैं ए है और बी है, एक मैपिंग लिया गया, ये ए वन ए टू डॉट डॉट बी वन बी टू, एक के साथ एक मैपिंग लिया गया आपका वन वन और टू के साथ, है ना, कि ए इक्विवेलेंट बी तो था ही आपका, एंड या इसको बोलते हैं बी इक्विवेलेंट ए। अगर ऐसा है कि कार्डिनली इक्विवेलेंट हो सकता है, क्या बोलते हैं लोग, कार्डिनली इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं, इसको बोल सकते हैं कि द सेट ए कितना इज सेट टू बी, सेट टू बी कार्डिनली इक्विवेलेंट वैल्यू टू बी, ए इज सेट टू बी कार्डिनली इक्विवेलेंट टू बी, अगर ऐसा मैपिंग हो जाता है तो। अभी पढ़े हम लोग क्या चीज, इक्विवेलेंट सेट। ऐसे जनरली हम लोग इक्विवेलेंट सेट से हम करेंगे, इक्विवेलेंट सेट मेन हो गया आपका। इसके अनुसार आप समझ गए फिनाइट सेट, तो फिनाइट सेट क्या था, तो फिनाइट सेट आपका था फिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट के अंतर्गत जो आता है आपका मेन आता है कि जैसे कोई भी फिनाइट नंबर है और क्या कर दे, इक्विवेलेंट कर दे किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ, है ना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के साथ क्या कर दे, इक्विवेलेंट कर दे, तो क्या समझ जाएंगे फिनाइट सेट है। नहीं तो कोई भी इनपीटी सेट को भी हम लोग फिनाइट सेट हो सकते हैं। तो किसी सेट में 10 एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट है। किसी सेट में 100 एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट है। यानी जिस सेट का लास्ट टर्म मालूम हो उसको हम लोग फिनाइट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि काउंट टेबल में जरूरत पड़ेगा आपको फिनाइट सेट। तो देख लीजिए फिनाइट सेट क्या होता है, तो ए सेट, एस हम लोग यूज करते हैं शुरू से ही, ए सेट एस इज सेट टू बी, टू बी फिनाइट, फिनाइट कब, इफ आइदर इट इज एमपीटी, एमपीटी हो या इट इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, इक्विवेलेंट टू द सेट, सेट मतलब क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए नंबर कितना मान लेते हैं वन टू
थ्री कहाँ तक, टेन तक, फोर साउंड पॉजिटिव इंटीजर एन। ऐसे तो हम समझा रहे हैं कि फिनाइट सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो, फिनाइट हो, निश्चित हो, जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम हो किस सेट का, समझ लो कि फर्स्ट सेट का लास्ट का क्या है, फिनाइट सेट है। गिनती कर सकते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 50। अब ऐसे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो तो क्या बोलेंगे, एमपीटी सेट, तो भी क्या फिनाइट होता है। एक सेट ए से सेट टू बी फिनाइट का इफ आइदर इट इज एमपीटी हो या इट इज इक्विवेलेंट टू किसका, यह नेचुरल नंबर एन का, इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन का इक्विवेलेंट हो। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जो है इक्विवेलेंट किसका हो, एन का, कोई फिनाइट है, क्या होता है, वन से लेकर एन तक है, तो वन से लेकर एन तक क्या हुआ, फिनाइट सेट हो गया। क्या हो गई, फिनाइट सेट के साथ कोई भी सेट को कंपेयर करेंगे तो हो गया फिनाइट सेट, अगर इनफिनाइट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट। सेट स्पेशल में क्या होता है, यहाँ फिनाइट भी होता है, इनफिनाइट भी होता है, दोनों देखिए आप। तो अभी पढ़े हम लोग इक्विवेलेंट सेट और फिनाइट सेट, इसी के साथ हम लोग एक सेट और पढ़ेंगे जिसका नाम है डेनोमिनेबल सेट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसके पास नेक्स्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अभी पढ़े इक्विवेलेंट सेट और फिनाइट सेट, यानी फिनाइट सेट उसको बोलेंगे जो इक्विवेलेंट करेगा किसके साथ, आपका कोई भी फिनाइट सेट के साथ, यानी कोई एक ऐसा सेट ले लेते हैं है ना, और इक्विवेलेंट करने के साथ सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसका वैल्यू क्या है, फिनाइट है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वन टू थ्री का डॉट डॉट एन तक, ये क्या हो गया, फिनाइट हो गया। और एक क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर डॉट 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 पता नहीं लास्ट टर्म कितना है, इनफिनाइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर सब इनफिनाइट है। इनफिनाइट को कैसे काउंट करेंगे उसके लिए हम लोग एक स्पेशल एग्जाम्पल आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज केवल इतना ही समझ लीजिए कि आज पढ़ाए हम लोग इक्विवेलेंट सेट और फिनाइट सेट, और फिनाइट सेट के साथ कोई भी कंपेयर करेंगे सेट को तो क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया, इक्विवेलेंट हो गया सेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट था इक्विवेलेंट सेट और फिनाइट सेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे सेट से कंपेयर करेंगे और गिनती करने की कोशिश करेंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ सेट को कैसे काउंट करें। आज तो काउंट किए केवल फिनाइट। मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ए बराबर दिया हुआ है एक सेट 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तब बोले कि काउंट कीजिए कितना होता, 5 है, 5 है। जो ए बी बराबर, मान लीजिए अब काउंट करना है ए बी सी डी कितना है, 4 है, काउंट हो गया। यानी फिनाइट सेट को काउंट करना बहुत आसान काम है ना। ए बोल सकते हैं एवरी फिनाइट सेट इज काउंटेबल सेट। क्या बोलेंगे, आज हम लोग पढ़े उसके माध्यम से डिफिनेशन, इसका आसान नहीं है, लो आसान बुझ देता है, लेकिन इसका आसान पहला समझे हम लोग, एवरी फिनाइट सेट इज काउंटेबल सेट। तो क्या एवरी काउंटेबल सेट फिनाइट सेट होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। यानी एवरी फिनाइट सेट को हम लोग काउंटेबल बोल सकते हैं, जैसे कन्वर्स नहीं बोल सकते हैं। कन्वर्स के लिए आपको इनफिनाइट सेट पढ़ना पड़ेगा और उसका काउंट जानना पड़ेगा, और उसका काउंट जानने के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देकर क्लियर करेंगे कैसे काउंट किया जाता है। टेक्स्ट डालेंगे। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.